छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा लूटना ही कांग्रेस का काम, यहां का विकास कांग्रेस नेता की तिजोरी में। पीएम मोदी ने सीएम बघेल को भी घेरा, बोले कांग्रेस वाले हमारे कार्यक्रम में आने से डरते हैं इसलिए सीएम नहीं आए, कोई भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता। पीएम मोदी ने कहा 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ की धरती से पीएम मोदी ने बिहार की जाति जनगणना पर उठाए सवाल, बोले कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है, पूछा देश में हिंदू सबसे ज्यादा तो क्या वो सारे हक ले लें। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, बस्तर में एनएमडीसी स्टील प्लांट का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना में पीएम मोदी ने किया रोड शो, राज्य को 8,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। पीएम मोदी ने तेलंगाना की सरकार पर किया प्रहार, बोले केंद्र ने बीआरएस को भारी धनराशि दी है लेकिन बीआरएस ने इस पैसे में लूट मचाई। तेलंगाना में महिला आरक्षण बिल पर भी बोले पीएम, कहा घमंडिया लोगों को भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम का समर्थन करना पड़ा। जातीय जनगणना के आंकड़ों पर मचे सियासी बवाल के बीच पटना में हुई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों ने जातीय जनगणना पर दिए सुझाव, बीजेपी ने जनगणना को बताया हड़बड़ी। नीतीश कैबिनेट में लिया गया फैसला, ईडब्ल्यूएस वर्ग को न्यायिक सेवा में दिया जाएगा 10% आरक्षण। बिहार में जाति जनगणना को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया राहुल गांधी की जीत, कहा धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले जाति जनगणना से ध्यान भटका रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आते ही कांग्रेस ने उठाई 3 नए डेप्यूटी सीएम बनाने की मांग, सवर्ण जातियों के आंकड़े में हेराफेरी का आरोप भी लगाया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर लगाया धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप, बोले बीजेपी की महिला आरक्षण में कोई रुचि नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले यह सिर्फ एक पेज की रिपोर्ट है, नीतीश को बताना चाहिए किस पैमाने पर जातीय जनगणना हुई। बिहार के जाति सर्वे का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 6 अक्टूबर को करेगा कोर्ट सुनवाई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने माथा टेका, लंगर हॉल में बर्तन धोकर सेवा भी की। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा टुकड़े गैंग के नेता बन रहे राहुल गांधी। सनातन धर्म पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, कहा सनातन कुछ नहीं है, सनातन है तो जाति है और जाति ही शाश्वत है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुकदमे का ब्यौरा न मिलने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पेश होने का आदेश दिया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच देहरादून में होगा 6ठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, सीएम धामी ने इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, कमलनाथ दिग्विजय सिंह समेत दिग्गज नेता शामिल। सीएम शिवराज ने भोपाल में मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो में सफर भी किया। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की उठाई मांग, तो शुरू हुआ सियासी बवाल। अलग राज्य की मांग को समाजवादी पार्टी ने बताया बीजेपी की नूरा कुश्ती, सपा नेता मनोज पांडे ने कहा महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए यह बयान दिया। एशियन गेम्स में भारत के नाम आज 2 गोल्ड मेडल, 5,000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने और जेवलिन थ्रो में अन्नु रानी ने सोना जीता। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जैतपुर इलाके में आतंकी शहनवाज को किया गिरफ्तार, शहनवाज के अपार्टमेंट से भारी मात्रा में हथियार और जहरीला साहित्य बरामद हुआ है। यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी अरशद वारसी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अरशद की ससुराल भी जांच एजेंसी की टीम पहुंची। निजी न्यूज पोर्टल पर ईडी की कार्रवाई, दिल्ली के दफ्तर पहुंचे ईडी के अधिकारी, पोर्टल पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है, दफ्तर को सील किया गया। निजी न्यूज पोर्टल पर ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस ने किया विरोध, कहा आवाज दबाने की हो रही है कोशिश।
आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, आलोचना करने वालों पर हो रही है कार्रवाई, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं। न्यूज पोर्टल छापे पर अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल, बोले ईमानदार खबरनवीशों पर बीजेपी हुक्मरानों ने हमेशा छापे डाले हैं।